ओम महागणेशाय नमः, ओम गंग गणपतये नमः। गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए के चौबे आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ आप सबसे विशेष चर्चा करने के लिए। चर्चा का विषय बताऊँ उससे पहले निवेदन करूँ कि मेरे चैनल को अगर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जाते जाते कमेंट में श्री गणेशाय नमः लिखेंगे, भगवान गणेश आपको आशीर्वाद देंगे। तो मित्रों मैं चर्चा क्या कर रहा हूँ, देखिए मेरी चर्चा का विषय है कि सत्ता यानी सोमवार से रविवार 5 जून से 11 जून 2023 को विभिन्न राशियों का राशिफल यानी मेष से मीन तक वो चर्चा करते करते मैं तुला राशि में आ गया हूँ। तो तुला यानी लिब्रा के लिए वीकली हॉरोस्कोप। तुला राशि लग्न में है, सातवीं राशि केतु बैठे हुए हैं। और देखिए सप्ताह के प्रारंभ में देखिए चंद्रमा, हम राशिफल बताते हैं। तो चंद्रमा 5 तारीख को चंद्रमा यहाँ होंगे धनु राशि में तीसरे भाव में, 7 तारीख को चंद्रमा यहाँ आ जाएंगे कहाँ पर, मकर राशि में, और सॉरी ये 9 तारीख में, 9 तारीख में चंद्रमा जो है यहाँ आ जाएंगे पंचम भाव में शनि के पास, और 11 तारीख को आ जाएंगे छठे भाव में यहाँ मीन राशि। तो चंद्रमा यहाँ धनु से शुरू करके मीन तक आएंगे सप्ताह 5 तारीख से 11 तारीख तक। तो सप्ताह के शुरू में आप अधिकांश कामों में देखें निपटा लेंगे कामों को। इस दौरान घर परिवार से जुड़ी समस्याओं का समाधान भी आपका काफी समय बीतेगा। आपको बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। थर्ड हाउस में देखिए बृहस्पति का राशि है यहाँ पर धनु, थर्ड हाउस में बृहस्पति की राशि, बृहस्पति सप्तम में बैठ करके अच्छे भाव में बैठे हुए यहाँ पर बृहस्पति। यहाँ से देखिए यहाँ पर नवीन राशि, यहाँ पर वायु राशि, तो बृहस्पति जो है अच्छा फल मिलेगा। तृतीय भाव में यानी यहाँ पर परिश्रम कराएंगे, चंद्रमा 5 तारीख को है तो यात्रा भी होगी, उसे लाभ मिलेगा, छोटी मोटी यात्राओं से लाभ, भाई बहनों से लाभ। और बृहस्पति सप्तम में बैठ करके दाम्पत्य जीवन को अच्छा बना रहे हैं। लग्न को देखेंगे तो जातक की पर्सनलिटी अच्छी बनेगी, पर्सनली धार्मिक होगी, धार्मिक क्रियाकलाप करेगा जातक, और शरीर अच्छा होगा, कोई बीमारी नहीं रहेगी। तो लाभकारी यात्रा भी होगी यहाँ से बृहस्पति की वजह से, लाभकारी यात्राएं होंगी, छोटे भाई बहनों से भी लाभ मिलेगा, आप परिश्रम करेंगे जितना उतना ही लाभ मिलेगा। देखिए शनि जो है 11वें कुंभ राशि में, शनि पंचम भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ से तीसरी दृष्टि से बृहस्पति को देख रहे हैं। तो शनि की स्थिति पंचम भाव में बहुत जबरदस्त संतान को लाभ मिला रही है, और शनि की दृष्टि यहाँ पड़ रही है सूर्य की राशि में, लाभ भाव में तो लाभ ही लाभ मिल रहा। शनि चाहे स्लो लाभ दिलाए पर लाभ तो आ ही आएगा, संतान को लाभ होगा, संतान की तरक्की होगी, शिक्षा में तरक्की मिलेगी, परीक्षाओं में तरक्की मिलेगी। और यहाँ पर 9 तारीख को चंद्रमा आ जाएंगे तो लाभ मिलेगा, प्रेम प्रसंग में लाभ मिलेगा, प्रेम संबंधों में लाभ मिलेगा, पति पत्नी यानी वैवाहिक जीवन में अच्छा बीतेगा। तो देखिए व्यवसाय में तथा नौकरी में सफलता मिलेगी। इस समय भूमि भवन वाहन से जुड़े हुए अथवा पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए कार्यों से कुछ समस्या आ सकती है। यहाँ पर चंद्रमा है 7 तारीख को, तो चंद्रमा शनि की राशि है, शनि यहाँ बैठे हुए पंचम में, तो थोड़ा सा भूमि भवन बंगला गाड़ी बेचने में खरीदने में थोड़ा समस्या आ सकती है। और देखिए शुक्र मंगल का दशम भाव में युति और वहां से दृष्टि यहाँ पर चौथे भाव पर, ये तो जबरदस्त है। तो शुक्र जो है अपने कर्म स्थान में लाभ दिलाएंगे, कर्म में तरक्की, व्यापार में तरक्की, शुक्र से संबंधित व्यापार में तरक्की, और शुक्र वहां से चौथे भाव को भी दिख रहे हैं तो शुभ साधनों में वृद्धि दिला रहे हैं, क्योंकि शुक्र खुद ऐश्वर्यदायक है तो उससे चौथे भाव से आपको लाभ मिल रहा है। और संतान का तो मैंने बता दिया, शनि यहाँ बैठे हुए लाभ मिल ही रहा है। बुद्ध जो है सूर्य में यहाँ सप्तम में बैठेंगे, बहुत अच्छा है, बाद में यहाँ 7 तारीख को आ जाएंगे, बुद्ध आदि राजयोग बनेगा। यहाँ से गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, यहाँ से लॉटरी सट्टे से पास हो सकते हैं, जुए लॉटरी से लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ से सूर्य बुद्ध धन भाव को भी देख रहे हैं तो धन भी आएगा। धन कहाँ से आएगा? गुप्त से आएगा, लॉटरी से, जुए से, शेयर मार्केट से धन आएगा। और शुक्र मंगल यहाँ बैठे हैं, मंगल की राशि यहाँ पर धन भाव में है,
मंगल कारण क्षेत्र में है, तो कर्म क्षेत्र में कर्म करते हुए, नौकरी में कर्म करते हुए, व्यापार में कर्म करते हुए, कर्म से पैसा आएगा, क्योंकि मंगल जो है यहाँ कर्म स्थान में है और मंगल यहाँ पर भी है, राशि मंगल की, तो पैसा तो आएगा कर्म स्थान से, यानी कर्म करते हुए आएगा। देखिए अष्टम में सूर्य और 8 जून से बुध की युति, धन वहां पर दृष्टि डाल रही है, मैंने भाई बताया, तो धन तो आ रहा है लेकिन 8th हाउस से अचानक धन आएगा, अचानक पैसा मिलेगा, शेयर मार्केट से मिल सकता है, कहीं से लॉटरी मिल सकती है, तो अचानक से धन लाभ होगा। राहु बृहस्पति की 7th में देखिए, 7th भाव है, ये बता रही है कि जीवन साथी के साथ ईमानदार रहें, वरना बड़ी परेशानी में पड़ सकते हैं, अगर आपने कुछ धोखाधड़ी की तो आपको फिर चक्कर पड़ जाएगा घर में। खान पान का ध्यान रखिएगा, बाहर का खाना कम खाइए, कंट्रोल खाना खाइए, तो शनि का आप देखिए मंत्र का जाप करिए, यानी क्योंकि ये तुला राशि शनि की राशि है, तो शनि का मंत्र जाप करें, ओम शनि शनिश्चराय नमः का जाप करें, शनिवार को दिया जलाएं पीपल पर, शनिवार को देखिए पक्षियों को दाना डालें, पानी पिलाएं पक्षियों को, तो शनि खुश रहेंगे, ऐसे कार्य करने से तो शनि खुश रहेंगे, और तुला राशि तो वैसे शनि की उच्च की राशि होती है, तो शनि आपको और अच्छा लाभ देंगे, तो आपका तरक्की मिलेगी और तुला राशि के लिए ये सब काम अच्छा रहेगा। तो मैं अभी यहाँ विराम लेता हूँ, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।